हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज है मंडे एंड बस अभी जस्ट सो के उठे हैं। पार्ट भी रेडी हो गए हैं, सो के उठे हैं, मुँह फ्रेश फ्रेश हुए, फिर सो गए हैं और हम उनका बना रहे हैं नाश्ता पार्ट का, मॉर्निंग का। अब उठे, तैयार हो गए हैं, नाश्ता करेंगे फिर जाएंगे स्कूल। और पापा उनका अलग ब्रेकफास्ट बना रहे हैं नीचे। बहुत मेहनत होती है ये स्कूल भेजना बच्चों को, सबसे हार्डेस्ट। उसके बाद जाओ उस पार्ट को स्कूल भेजो, फिर जाता तो सोने में, एंड फिर उसके बाद उठो फिर पार्ट को स्कूल लेने जाओ, ठीक है। तो ये सब भी एक दिन नई दिनचर्या है हमारी लाइफ में, जो कि मैंने काफ़ी टाइम से व्लॉग्स नहीं बनाए तो आप लोग को पता नहीं चला होगा क्या चल रहा है क्या नहीं। चलिए अब उठ गए हैं तो दिनचर्या चालू करते हैं, चाय नाश्ता पार्ट से लेके चलते हैं फिर देखते हैं। चलो भाई, वो उठेंगे भाई साहब तो उनका होगा नाश्ता, ये फिलहाल सो रहे हैं। ओ भाई, है उठेंगे कि नहीं उठेंगे? उठ जाएंगे भाई, उठ जाओ। है चलो चाय पियो। ये भाई अब सो ही रहे हैं, उठो। ओए, अच्छा, अब देख लो। हाँ, तुम्हारी टिटिया पटिया होगी, रोको जरा। इनके अलग ही मस्ती चला करती पूरा दिन। देखना देखना, मेहनत संघर्ष और पिटाई 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 पिटाई। तो देखो देखो देखो, आगे तुम स्कूल से हैं, कल चलेंगे स्कूल फिर। यार सुबह तो पार्क को भेज दिया, फिर उसके बाद जितना भी कंटेंट था कुछ नहीं बनाया। दिन कैसे गया मुझे नहीं पता, मंडे का दिन तो ऐसे बीत गया ही हो जस्ट इन अ फ्लिक। लेकिन कल सुबह स्कूल से आने के बाद पार्थ की एक डिमांड थी कि भाई उनको खाना है पास्ता, तो अभी फ़िलहाल हमने तैयारी कर दी है, दिखाते हैं क्या तैयारी करी है। हमने अगर रात ही में कर दें सुबह तो उठो फिर बनाओ, तो या तो अनु बनाए या तो हम बनाए, तो उनमें से किसी एक को करना पड़ता है ये चीज़। बारी पास हम लोग करते रहते हैं ऑल्टरनेटिवली, कभी अनु बनाई थी ब्रेकफास्ट बाहर, कभी हम बनाए थे, इक्वली वर्क डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं जिससे कि कभी किसी पे बर्डन ना आए और ये ना हो। तो ये चीज़ होनी चाहिए आज की लाइफ में। बहुत पुरानी थिंकिंग थी लोगों की कि भाई बीवी से घर का काम करे, आदमी से मौज करे, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं अब नहीं करनी चाहिए। अब हर कोई इक्वली चलता है, तो आप लोग इस चीज़ से अगर आप लोग इस चीज़ से, क्या वर्ड था वो, बैगन, एग्री करते हैं तो डू कमेंट बिलो। ऐसा होना चाहिए, इक्वल रहने चाहिए हस्बैंड वाइफ दोनों कि नहीं, ठीक है। तो बस दिखाते हैं क्या बन रहा है, फिर सोने चलेंगे, फिर कल मिलेंगे पार्थ को, सुबह रेडी करेंगे फिर स्कूल भेजेंगे। सॉरी कल ब्लॉग पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, तो देखो बाहर देखो बाहर चलती रहती कुछ ना कुछ। देखो देखो बेचारी को बहुत परेशान करता है, अब जारी मार, पिटाई कर दे, पिट्टी कर दे, पिट्टी कर दे, पिट्टी कर दे, कर पिट्टी, हट कर दे, हट कर दे, हट। देखो ऐसी लड़ा करते हैं लोग, देख रहे हो देख रहे हो, ये चला करता है। इट्स माय फैमिली। हाँ हाँ, आओ मेरा बच्चा आओ। आप गई मम्मा से शिकायत करने, मम्मा से शिकायत करेगी जाके। देखो कुछ ना कुछ करती रहती लड़की। देखो सफाई हो रही है, चाइल्ड लेबर हो रहा है, माफ करे।
वेरी गुड वेरी गुड। अब इस टाइम को छेड़ दो तो फिर देखो तबाही। हम ये कह रहे थे कि हमें यहाँ पे ये अभी आदमी फैला के चली गई, प्लेट वेट निकाल के अपना हल भी किचन छोड़ के गई है। तो यहाँ हमने बना लिया है पास्ता, बॉयल हो चुका है, काइंड ऑफ मैक्रोनी है, पास्ता सब एक ही चीज़ होती है। इधर है उसका स्टॉक पास्ता का जो कि हम ग्रेवी के लिए यूज़ करेंगे। इधर हमने टोमेटो को भून लिया था, उधर है प्याज और इंग्लिश लहसुन। ठीक है, इसके लिए हम ग्रेवी बना के रख लेंगे पका के, तो वैसे हम गरम करेंगे और सब कुछ डाल देंगे। और देखो देखो ये हमारे घर में चला करता है आज। हाँ, मैंने ये लेके आया था, इसको क्या बोलते हैं, अश्वगंधा नहीं बोलते हैं, कमेंट बताना क्या बोलते हैं इसको, मैं भूल गया वर्ड, मैं भूल जाता हूँ। और फिर मैंने एक लाके इसमें एक फिश डाल दी जो कि यहीं कहीं पे है, दिस वन द पिंक ज़ेब्रा, डिनो ज़ेब्रा यू कैन कॉल इट। बहुत अच्छी फिश है, इस फिश की एक बेस्ट क्वालिटी है, इसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, इसको कोई हीटिंग टेम्परेचर नहीं चाहिए, आप कहीं पे भी इसको रख सकते हो किसी भी टेम्परेचर में, दिस फिश गोज वेल। पूरे विंटर ही ओपन में हमारे पॉन्ड में रहती हैं और अनु के पॉन्ड में, एंड कोई दिक्कत नहीं होती इनको, ना ऑक्सीजन की जरूरत, ना फूड, दे ईट व्हाट्स एवर दे गेट, एंड दिस इज द बेस्ट थिंग। तो ये कैसा लग रहा है, दिस इज़ द डेकोरेशन, देख रहे बोतल भी हैं, डब्बे भी हैं, सब है, किचन है क्योंकि। ठीक है, अब हमने पास्ता के लिए ग्रेवी तैयार कर ली टोमेटो की, जो भी दिखाई थी आपको। ठीक है, अच्छा नाइस ग्रेवी, इसको सुबह पकाएंगे अभी नहीं, और फिर देखते हैं सुबह क्या बन के निकलता है। ये कुछ बोलो, बहुत प्यार लग रहा है, लवली खुशी का खुशी का। एक चीज़ और थी यार, ये मेरा आजकल ऑफिस से मिली, मेरे को एक डाइटिशियन ने डाइट गाइड किया है, डिटॉक्स ड्रिंक, जीरा और साबुत धनिया सुबह पी जाओ, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते ही। ये भी स्टार्ट बस हो गया, बॉटल वोटल वॉश हो गई, बॉयल हो गई, ठीक है, सब काम थे हो गए, चलो ऑफिस का भी हो गया, चलते हैं सोने, फिर सुबह मिलते हैं आप सबसे। और फिर सुबह कोशिश करेंगे कल इसको ब्लॉग एंड करके शाम तक अपलोड कर दें, होप करता हूँ कि 10 बजे तक अला व्लॉग भी आ जाए, अगर सीक्वेंस रहा तो डेली व्लॉग कोशिश करूँगा मैं। ठीक है, लेट्स सी, बस सपोर्ट करते रहिएगा गाइस, बहुत बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल के ये चीज़ कर रहा हूँ, पता नहीं कब तक करूँगा कंटिन्यूएशन में, कहीं ना कहीं टूट जाता हूँ यार, बट थैंक यू फॉर योर कमेंट्स, लगे रहेंगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल, कल रात के बाद तो भैया सुबह हो गया, तो थोड़ा मुंबान मतलब बवाल सवाल, अरे सुबह पार्ट तो रेडी किया, कैब वाला आया 5 मिनट से ज़्यादा, 7 मिनट हो गए, और भाई साहब छोड़ के निकल गए, तो अभी बस तैयार होकर जा रहे हैं इसके स्कूल में बात करने की, क्या नौटंकी है यार, गवर्नमेंट रुकता नहीं है। और साला इन लोगों को क्या होता है कि अगर इनकी कैब का पेट्रोल बचाना है तो हम लोग क्या करते हैं, फ़ोन करते हैं रात में, भैया मत आना आज पार्ट नहीं जाएगा, आपसे वही करना पड़ेगा, इन लोगों को वही करना पड़ेगा भैया कि आओ खड़े रहो, फिर कहेंगे नहीं जाना, तब बहुत खिजान होगी, इनको भी फील होना चाहिए। हम लोग पेरेंट्स ऐसे थोड़े ना कि बच्चों को तैयार करते हैं भेजते हैं, टाइम लगता है हर चीज़ में, कभी कभी 1-2 मिनट आगे पीछे होता है, ऊपर से कंप्लेन ये करते हैं भाई साहब स्कूल में आके वहाँ पे कि इंचार्ज में कि कहते हैं कि हमारा बेटा डेली लेट आ रहा है। मैंने कहा वाह, इनकी पता नहीं कौन सी घोड़ी भागे जा रही है, अदे यार। और जब नहीं जाना होता पार्ट तो भैया एक रात पहले ही फ़ोन करते हैं, भैया इतने दिन पार्ट नहीं जाएगा, थर्सडे को था, थर्सडे को फ़ोन कर दिया पार्ट नहीं जाएंगे स्कूल, लेकिन अब क्या बोले ये लोग, सीधे उंगली भैया कोई बात ही नहीं समझता यार ये, क्या बोले, चलो देखते हैं क्या होता है स्कूल में। यार स्कूल का सब हो गया, बातचीत डिस्कशन हो गया काफ़ी लंबा चौड़ा, एंड अब यही है कि ठीक है देखते हैं कैसे इनको भेजना, भी उसने टाइम तो बता दिया कैब वाले ने किस टाइम आएगा, हमने कहा भैया पहले आओगे तो वेट करना पड़ेगा और देर तुमको नहीं होने देंगे, ठीक है अगर देर होती भी है तो आप चले जाओ, मैं खुशी खुशी छोड़ाऊँगा, सीधा ये डिस्कशन हो गया है।
एंड फिर आ गए थे घर, फिर आए घर, पार्क को छोड़ा वोड़ा, तुरंत निकल गए फिर ऑफिस। अभी जस्ट ऑफिस से लौट के आया हूँ और ब्लॉग को यहीं पेंड करता हूँ। करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। ज़्यादा कुछ नहीं था इस ब्लॉग में, थोड़ा बहुत था ठीक ठीक ठाटा टूटू। तो अगर लगा हो तो लाइक करिएगा, रिव्यूज़ दीजिएगा, कमेंट करिएगा एंड डू शेयर दिस ब्लॉग विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। जिसको भी दिल करे कहीं पर स्टोरी में डाल देना यार, थोड़ा सा प्रमोशन कर देना, ठीक है। ज़्यादा भी नहीं है लेकिन हाँ, जितना कर पा रहा हूँ कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट ब्लॉग थोड़ा सा देर से आएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ भी कंटेंट नहीं है बस कल के लिए, ठीक है। मतलब कुछ भी मतलब बनाया ही नहीं है, तो अभी एंड कर रहा हूँ, जस्ट अभी एंड कर रहा हूँ। 1 घंटे में ब्लॉग अपलोड कर दूँगा, ठीक है। बाय बाय, डू लाइक एंड सपोर्ट द चैनल, ठीक है।